उत्तर प्रदेश में पंचायतों के आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। केवल आपत्तियों पर कार्य चल रहा है। ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के प्रत्याशी जनता को लुभाने में लगे हैं, तो वहीं कुछ निर्वर्तमान ग्राम प्रधान पुनः प्रत्याशी बन अपने विगत कार्यों को मुद्दा बनाकर मैदान में आ गए हैं। इस बार कुछ महिला प्रत्याशी सामाजिक सौहार्द बनाने व विकास कार्यों को मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतर गई हैं। ऐसी एक प्रत्याशी जनपद संभल की तहसील चंदौसी के गाँव कनेटा निकट दहली में देखने को मिली है, जिनका मुख्य मुद्दा गाँव में सौहार्द बनाने तथा विकास कार्यों को कराने का है। जब इस ग्राम पंचायत की 46 वर्षीय शशि, जो कि बीएड हैं, शशि से विकास कार्यों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके ससुर ग्राम पंचायत से 3 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत तथा उसमें आने वाले मजदूरों में भरसक प्रयास कर विकास कार्य कराए हैं, जिनका उन्हें इस चुनावों में लाभ मिलेगा। मतलब किसी में लड़ाई दंगा फसाद नहीं हो, किसी में अच्छे से रहें, किसी को परेशानी दिक्कत हो तो उसका मतलब सामना करने के लिए सब लोग तैयार भी हैं। गांव के लोग खड़ा भी कर रहे हैं मुझे। जैसे आप इस गांव की निवासी हैं और इस गांव में आप आती जाती भी हैं, तो मैं सड़कों का विकास करने के बाद में क्या लगता है सबसे पहले क्या काम कराना चाहिए? सड़कों का विकास सबसे पहले तो मतलब किसी में नाराजगी लड़ाई नहीं हो, सबसे पहले बेहतर वही चीज़ है। और मतलब जो अपने नालियाँ वगैरह गड्ढे वड्ढे हुए हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा सरकार जोर दे रही है शौचालयों पर, शौचालय कोई भी ग्रामीण खेत में शौचालय ना जाए, ना उसे घर में शौचालय होना चाहिए। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसको गलत नज़र से देखते हैं, जैसे खेत वगैरह हम करते हैं तो मतलब माँ बेटी की बहन की इज्जत के लिए मतलब सब कुछ शौचालय होना जरूरी है। गाँव की जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए ऐसे मदद करेंगे, मतलब किसी को हाई परेशानी में मदद करेंगे, तैयार रहेंगे हर तरीके से, मतलब कोई रोजगार दिलाने के लिए, समूह बनाने के लिए, पेंशन, किसी को दिक्कत परेशानी है वो भी सब तैयार रहेगी।